मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कॉलेज के एलुमनी मीट में तो हम आज यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछेंगे उनके सभी एक्सपीरियंस, उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें और उन्हें उनके फ्रेंड से मिलकर कैसा लगा। सो कम ऑन सर, आप कौन से फील्ड में? कुड़ी लोग 1871 के हो सकते हैं। मैं बेटे कुड बी स्पोर्ट्समैन था, आज मैं स्पोर्ट्समैन हूं। इस कॉलेज का पहला गोल्ड मेडलिस्ट ऑल इंडिया इंटरनेशनल, तीन बार लगातार पंजाब नेशनल का चैंपियन रहा। कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? और रेसलिंग। रेसलिंग। और इसी कॉलेज का स्टूडेंट और यही नौकरी ज्वाइन की, यही रिटायर हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली। अरे वाह, किसी दूसरे का घर जाके नहीं देखा मैंने। 5 इंटरव्यू दिए, एक जगह काम ही किया, यहां काम किया ना। कैसे जमीन मारते मेरे को सर, क्रॉस कर रहे हैं जिससे हमें आज बॉयज बोल रहे हैं यहां ओल्ड बॉयज। तो सर यंग तो आप हो, आप सब बहुत अच्छे भी लगे। आज तो सभी यंग हैं भाई। और आप क्या अपना कोई एक खट्टा मीठा मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, मतलब आपके सेशन के दौरान ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हुआ था जो आपके माइंड में अब तक है? ऐसा तो कोई विशेष मतलब मेरे ऊपर बड़ा भारी ऋण है, क्योंकि यहीं से मैंने स्टूडेंट रहा, इंसानियत सीखी और उसी देश के कारण आज मैं कहीं जो चला रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने पास से पैसा लगा करके समाज सुधार का कार्य में लगे हुए। थैंक यू सो मच। 72 में बाप जी ने आपको पता तो मैम आपके पास हो कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मोमेंट जो मतलब आप अब शेयर करना चाहते हो? देखो, इस कॉलेज ने हमें बहुत एक्सपोजर दिया, हर कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हमने। यहाँ से यूथ फेस्टिवल में मुझे याद है, हम पहली बार गुड़गाना गए थे यूथ फेस्टिवल में, गुड़गाना गवर्नमेंट कॉलेज में, तब जो मतलब एक स्टेज मिल जाता था जो आगे भी चलते। फिर और सबसे बड़ी बात कि मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले कि मैंने मतलब 11th में संस्कृत पढ़ी थी पहली बार, और फिर इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैं संस्कृत में ही एम ए करना, मतलब वो टीचर्स की देन थी कि मैंने संस्कृत में किया। PhD की आर्डी प्रोफेसर और मैडम सुशीला, मतलब कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है ना, ये उन्होंने मतलब किसने आपके पास में बहुत सारी बातें दी हुई भंडार होगा गारंटेड, दिख रहा है सर। आप खुद स्टार्ट करेंगे, पूछना पड़ेगा। वहाँ का भी हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यहाँ की अगर कोई मेमोरी की बात पूछोगे तो मेमोरी ये होती थी जब हम पढ़ते थे, मेरी लड़कियों को देखे बहुत अच्छी होती थी। शास्त्री जी कौशिक साहब मेरे बाप जी के गुरु थे, दोनों चीज़ें थी उनकी कहीं हुई, और मैं 10 साल 15 साल बाद तक उनके पास आता रहता रहा, तो बहुत ही उनका अच्छा गाइडेंस था। लेकिन वो मेरे को हर बार नहीं जो ऊपर देख लेता ना संस्कृत में, तो नहीं बेटा नीचे देखा, ये मेरे बहुत उससे मैं दुखी होता था। मैं जाना मैं ये है कि लड़कियों की
साइकिल्स की हमारी बारह चार शर्मा था मेरा साथ ही बहुत रात से सो दिया कि यहाँ लेक्चर उन्होंने अपने बी ए फर्स्ट ईयर की क्लास में मैं फर्स्ट था तो उन्होंने खड़ा किया कि भी ये रोल नंबर कौन है मैं खड़ा होगा तो उनका पहला सेंटेंस मुझे याद किया तो उनका नाम ओपनिंग में जनरेशन गुस्से में तू लेकिन उस समय में कल के क्या बात करते हो तुम मेरे आगे तुम्हारी पर एंडिंग शॉट से तुम तो कर रहे हो फाइनल ईयर जब मैंने किया था मैंने इस्तेमाल किया था कौन उनका फतेह सिंह मेरे सुन मैंने कहा आपने आपने सिखा क्या ये वो जंप ऑफ है लेक्चर वो बात सो दिया गया थे वैसे तो मैंने बी एस सी किया था तो समय वाले जो बी एस सी पढ़ाने वाला था तो एक ही नहीं है सभी रिटायर हो गए तो ये और भी तो थे साथ में बैच हुई थी बैच में तो मेरे बैच के जो अपने कॉलेज में प्रोफेसर बने सुनीता मैडम थी हमारे से वो प्री मेडिकल में थे हम प्री उसमें थे लोग मेडिकल में थी हमारे साइंस एकेडमी में पहले प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग होता था तो वो आता था एक बीए अब वो मिलिट्री में इंडियन मिलिट्री में है नाम तो मैं भूल गया उसका तो बहुत ही बदमाश था जाके वो उनके जैसे बहुत यंग से ज्यादा उनको कहता था बोला हेलो क्या हाल है उन्होंने सोचा भी कोई थोड़ी तरह पहचान होगा और बड़े लोग उनके मजे लेता था तो बहुत सारी बातें हैं अपनी हिसाब से फिर सर अभी अभी आपके साथ वो नहीं करते बदला नहीं करते आप प्रिंसिपल बन गए नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होता ना भाई आपको पता है मेरे साथ होता तो प्रिंसिपल होता ही नहीं नकल में एक याद है मुझे कभी नकल नहीं किया एक बार की बात है बस वर्मा जी और ज्योग्राफी वाले थे बड़े कुमार उनमें से दो आती थी पांच नहीं आती थी हम सातों में से किसी को नहीं आती सातों इकट्ठे रहते हैं सातों आठों तो रूम में ऐसे ऐसे बढ़ा दिया भाई जैसे 40 बैठ रहे हैं तो दो दो बेंच छोड़ के बैठा दिए तो एक ने कहा पीछे वाले ने मेरे से गाली दे के वैसे मार मार के तू खड़ा हो खड़ा क्या कहना बता मैं नीचे जा किताब में से वसूल मैंने देखा मैं से वसूल उसने कहा मैं वसूल में से उतार के लाऊं तो मैं अपने हाथ के ऊपर वो पांच की एक्शन लिख लिया हां जी अपने हाथ के ऊपर वो पांच की एक्शन लिख लिया वर्मा जी ने आते ही और दे दे क्या है ये इतनी डांट तो उस दिन के बाद तो हिम्मत नहीं हुई कि आगे से कर ली कर पहला अटेम्प्ट ही कच्चा था बस अच्छा इस कारण था ना बट टू पी प्लान ने वो लेट हम मानते नहीं आपके हाजिरी बहुत आता है तो आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगी और क्या इंस्पायर किया कि आप ऐसा कुछ करें मेरा सबसे जो एक जीवन का लक्ष्य रहा है वो पुस्तकें हैं और मेरी कोई चीज कोई न मेरी कोई सिनेमा की और की आर्ट्रम मैं कभी हमारे वाली बुराइयों के नजदीक रात को भी मैं 11 बजे तक जो टाइम रहता है उसमें अपना कुछ कोई न कोई किताब जो है देकर के और अपना आप नई पीढ़ी के लिए कोई मैसेज यही मैसेज है कि जीवन के अंदर सबसे जरूरी चीज है पहली तो सेहत उसके नेक्स्ट जो है अपने कैरियर बनाने के लिए जो भी आप लाइफ चूज करना चाहें उसके मुतल्लिक जो भी लिटरेचर है उसको जरूर पहले पढ़ें और उसके बाद उसमें बताए गए तरीकों को यू मस्ट अडॉप्ट और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी सेहत 771 बैच का वो भाग पहले के बाद दूसरा था सेकंड बैच सेकंड क्या करते थे सर आप
मतलब कौन सी फील्ड में थे आप? मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट की पढ़ाई थी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी मेरा आज भी प्रिय सब्जेक्ट है। और उसके पीछे कारण है कि उस समय के जो प्रोफेसर थे आई सी गुलाटी और मरवा जी, उन्होंने इतने डेडिकेशन से पढ़ाया कि आज तक मैं उस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं पाया। जब मैं कॉलेज में आता हूँ तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जरूर जाता हूँ। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट तो हमारे काफ़ी अच्छा है। तो सर आपके पास वो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा? आप सर की बैच में थे? हाँ बिल्कुल, हम एक ही बैच के हैं। फिर सर सर की कुछ बातें? अरे मेरे साथ मैं तो 87 का हूँ, ये 70 उसके हैं। सेम सेम ही लग रहे सर। मैं तो डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि इन्होंने फ्रंट पे आगे कभी अटैक नहीं किया, पीछे से सारे काम दिए लाइन छापा मारी। हाँ पड़ोसी में कर रहे। चलो थैंक यू सर। फिर से वहाँ जाओ, हमारा ऑफिस में बहुत सारा टाइम गया तो अब हम उस टाइम को यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम लोगों को खाना खाते हुए डिस्टर्ब करेंगे। और सर खाना कैसा है? आप कौन से बैच से हैं? तो सर आपको आप दोबारा यहाँ आकर कैसा लगा? अभी फिलहाल खाने पे फोकस है। आते तो रहते हो बट फिर भी आज एक रीयूनियन थी, ऑनर हुआ, मतलब एक स्पेशल वाली फीलिंग। तो सर आप आज अपने पुराने फ्रेंड से भी मिले होंगे, क्लासमेट से भी मिलेंगे, ऐसे मतलब आपको ऐसे दोस्त भी मिले जिनसे आपका अब तक कोई कांटेक्ट नहीं था और सडन एक कांटेक्ट आज हुआ? तीन लोगों को फोन किया सुबह, तीनों ने मना कर दिया। क्या बोले? बैठ ही सर, हम पूछेंगे। हम खड़े हो गए। अच्छा आप कौन से बैच से? 2007। तो फिर सर आज आप भी आए, पहले तो आपको खाना कैसा लगा? अच्छा, खाना काफ़ी अच्छा। और अरेंजमेंट्स? अरेंजमेंट्स हमें लग रहा था कि मतलब जैसे हमने जो लीगेसी छोड़ी थी कंटिन्यू किया गया। थैंक यू, ये अपने लिए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। हां जी, तो सर आप कोई अपना कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? हां हमारे बहुत सारे रहे हैं। हां सर हमें ऐसे लोगों की तलाश है जिनके पास मोमेंट आए। मुझे याद आता है 2006 और महीना ये शायद अक्टूबर नवंबर आसपास यहाँ फेस्टिवल से पहली बार इस कॉलेज ने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। सो मैं उस समय प्ले किया था, हमने संस्कृत में नाटक किया था, ये हमारी टीम में थे, तो हमने उस समय दादरी जोन में फर्स्ट प्राइज जीता था और मेरा दोस्त जो था वो यहाँ बेस्ट एक्टर आया था। फिर हम एमडीयू में गए इंटर जोन में, हम वहाँ थर्ड रहे, वहाँ मैं बेस्ट हूँ। और इसके अलावा हमारे राजवीर सर होते थे हिस्ट्री के, तो उनकी आदत क्या थी, वो बुक लेकर ऐसे बैठते थे, लड़ते थे दो दो और इतने पूरी क्लास बाहर हो जाती थी। और का मजा, शंकर लाल भी हिंदी पढ़ाते थे, शंकर लाल सर भी बहुत ही गया, वो राजस्थान के थे, तो हरियाणा के बच्चों को हमेशा ओ हरियाणा वालों क्या तुम भैंस का दूध पी के मोटी बुद्धि के हो गए, गाय का दूध पिया। बट इट वाज ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आंखें बंद करके पढ़ा, एक्सपर्टाइज उनकी कमाल में है, आंखें बंद करके पढ़ा टीचर हिंदी। और यशवीर सर के तो कहने का जबरदस्त,
जो समझ लो पिछले कई सालों से जो भी यहाँ जा रहा है वो सब यशवीर सर की प्रोडक्शन है, उन्होंने ही क्रिएट किया। हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी नहीं थे, लेकिन डेडिकेटेड किसान पूरे शहर में टीचिंग में है नहीं, कोई भी बच्चा आ जाए उनके पास हमेशा खड़े में कमाल है। थैंक्स मेरे फ्रेंड का प्रोग्राम देख लीजिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे आके अपने फ्रेंड से मिल के वही चीज़ें देख के क्या एक्सपीरियंस आज आपका? अच्छा सबसे ज्यादा बंक कौन मारता था आपको? बोगस करिए सर के ऊपर। फिर आप अकेले बंक मार के कहाँ जाते थे सर? अकेले तो नहीं जाता, तो फ्रेंड्स थे साथ में। हाँ जी, तो सभी ऐसे ही। आज वो शायद आज भी बंक पे है। वो शायद आज भी बंक पे है। पुलिस का नाम उस टाइम पे ये हुआ था, कॉलेज के नाम से मस्ती है। हाँ। उस टाइम जो हमने पढ़े ना उस टाइम पे ये था कि अब तो लेवल चेंज हो गया, अब पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, और उस टाइम पे कॉलेज का मतलब मस्ती है। फिर कॉलेज में जाएंगे मस्ती करेंगे जब मर्जी आएगा। ये कैसे कह रहे हो यार, मतलब पढ़ाई का मतलब पढ़ाई का? पहले में और अब में काफी चेंज है। पहले में और अब में काफी चेंज है। ये बहुत सही। पहले ये बात थी कि कॉलेज में जाएंगे मस्ती करेंगे, जिस टाइम क्रिएट में जाना है उस टाइम चले जाएंगे, कभी भी मन में आया घर पे आ जाएंगे, बात चले जाएंगे, मार्केट चले जाएंगे। हाँ सर, तो फिर आपको कभी ऐसा आपके साथ हुआ, आपने कभी कॉलेज से बंक मारा और घर पे बता चल रहा फिर आप? अच्छा सबसे ज्यादा डर किस टीचर के असाइनमेंट्स का या उनके काम का रहता था? उनका काम करना ही है। असाइनमेंट होती है ना, दो हमारे टाइम में होता था, पकड़ा देते काम कभी किया ही नहीं, काम करे कभी किया ही नहीं। अब कितना कैरियर कंपटीशन है, हर एक बच्चे को अगर बिल्कुल आउटपुट नहीं देगा उसका क्वेश्चंस का मेन उद्देश्य रहा पुराने साथियों से मिलना। हां जी सर, और वो मेमोरीज रिमेंबर करना, क्योंकि अगर ये फंक्शन ना होता तो शायद कोई साथी हमारे पास से निकल जाता और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, तो आपको आज ऐसे कौन से फ्रेंड्स मिले जो मतलब आज तक नहीं मिले थे? जी मैं बताता हूँ, बहुत बार ऐसा भी होता है हम किसी साथी के पास से निकल रहे होते हैं, यानी कि उसके अनुष्ठान से, उसके ऑफिस से, उसके घर से, हमें पता ही नहीं होता ये हमारे साथी का घर है। हाँ जी। अभी मेरे को दो साथी मिले, मेरा एक साथी राजू है, इनकम टैक्स में ITO है, दिल्ली पोस्टिंग है, मैं उससे लगभग आज 25 साल बाद मिला हूँ। दूसरा साथी मेरा मिला है कुलवीर जी हैं, यहाँ वो प्रोफेसर हैं आदमपुर कॉलेज में, तो मुझे 25 साल बाद उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के आपके प्रोग्राम ने मुझे उन पुराने साथियों से मिलाया और पुरानी यादें ताज़ा की। तो आपने उनके व्हाट्सएप नंबर तो ले लिए होंगे ना? आप खूब मत होने देना, हमको सेव कर लो। खाना कैसा लगा? थैंक यू सो मच आवर अरेंजमेंट, यू एंजॉयड द प्रोग्राम। चलो दोस्त ये बताइए आप लोगों में से आज आपको अपनी कितने कितने पुराने फ्रेंड्स मिले जिनसे आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, वो आज आपको सडनली मिले? दो तो सामने एक ही क्लास से आई हूँ। हाँ, तो दिख रहा है हमें आज आप लोग साथ ही चल रहे हो, साथ ही बैठ रहे हो, साथ ही घूम रहे हो, मतलब बहुत ही टाइम साथ ही रहते थे, साथ ही घूमते थे। करीब 22 साल के बाद हम दोबारा से यहाँ पर। चलो हमारी रीयूनियन सफल रही आप लोगों की। आप लोगों को मिलने को मिला एक दूसरे से। पंख हम ऐसे मारते थे कि जब कॉलेज के बाद एक प्रोजेक्ट था हमारा, एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट था, छोटा था, वेस्टलैंड पे गए थे, और वो प्रोजेक्ट तो हमने छुटमुट फॉर्मेलिटी पूरी की, उसके बाद हम पैदल पैदल ही टीचर को साथ में लेकर पूरी पहाड़ी निकले। मतलब एक टूर भी हो गया छोटा सा, पैदल पैदल ही टीचर के साथ, ऐसे मतलब टीचर्स भी साथ इन्वॉल्व कर लिए और बड़ी अच्छी फोटोग्राफी। कुछ कुछ बोलना है इसमें, कुछ कुछ ही बोलना, कुछ कुछ आप ही स्टार्ट कर दो, आपसे स्टार्ट कर दो। हाँ सर के बस ना शायद कुछ बहुत सारा स्टॉक है ना, तो लग तो शेयर मार्केट में मैं इसके पास भी था सर गुलाब जामुन, अभी तो वाइट गुलाब सिर्फ अमित के पास है, नहीं एक उनके पास भी रहता है। सॉरी प्लेट में नजर नहीं, मैं खा नहीं रह सकता।
हाँ सर, आगे बताइए। तो आप सब लोग एक ही बैच के हैं? एक ही क्लास? यस। अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से